पहले केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है क्योंकि पार्टिकल कम हो रहे हैं, दूसरे केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। वन हाफ फैक्टर का जो फॉर्मुला है वो ये है, आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले मैं एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में घोलते हैं तो क्या होता है, तो एसिटिक एसिड डाइमर बन जाता है, तब आई कितना आएगा, तो आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हो गए थे, एक हो गया था, और बिफोर कितने थे, दो पार्टिकल थे एसिटिक एसिड के, तो आई की वैल्यू होगी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होगा वो आधा हो जाएगा।